तो इंजीनियर्स, जैसे कि मैंने कि आपको शॉर्ट्स में बताया था कि जो भी हमारी ऑटोकैड की जो ड्राइंग होती है, जब हम लोग उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग उसको वापस से ऑटोकैड में डालते हैं तो उसकी स्केल बहुत छोटी दिखती है। अगर मेरी उसकी लेंथ होगी 26 फीट या फिर 30 फीट या 40 फीट उसकी लंबाई होगी, पर मैं उसको डायमेंशनिंग करके जब देखता हूँ तो वो 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच ऐसा करके डिफर करता है। तो वो ऐसा क्यों डिफर करता है, तो उसका कारण है स्केल का। क्योंकि ड्राइंग हमारी कैसी होती है, बहुत बड़ी ड्राइंग होती है, बहुत विशालकाय ड्राइंग होती है, पर उसको हम लोग को देखना है एकदम छोटे से मोबाइल में। पर ऑटोकैड क्या करता है, फिर ऑटोकैड उसको उसकी स्केल को बहुत छोटा कर देता है, जिससे क्या होता है वो ड्राइंग भी हमको बराबर दिखती है। पर दिक्कत क्या हुआ, वही हम लोग जब उसको वापस से वो पीडीएफ को हम लोग ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हैं तो उसकी स्केल बहुत छोटी छोटी। तो सभी लोग बोलते हैं, अरे सर मेरा यहाँ पे डायमेंशन कर रहा हूँ तो एकदम छोटा छोटा दिख रहा है, 26 फीट की लाइन मेरी यहाँ पे 4 इंच की दिख रही है, 2 इंच की दिख रही है। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपनी ड्राइंग को स्केल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ऑटोकैड चालू कर लिया हूँ, यहाँ से मैं अपने पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से एक ड्राइंग है जो कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन करा, ओपन करने के बाद वापस से ओके करा। यहाँ पे ड्राइंग मेरी बराबर आ तो गई है, पर यहाँ पे ड्राइंग कितने की दिख रही है, 29 फीट 6 इंच। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी डायमेंशनिंग सही में 29 फीट 6 इंच आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे क्लिक करा इसको, पहला क्लिक यहाँ और दूसरा क्लिक यहाँ पे, तो देखो ये कितना दिखा रहा है, 7.2 इंचेस। पर है कितना मेरा यहाँ पे, 29 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे ऑटोकैड ने क्या कर दिया है कि स्केल कम कर दिया है ताकि वो मोबाइल में अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी ड्राइंग को स्केल करेंगे। इंपोर्ट करना ही काम नहीं होता है, हमको ड्राइंग को स्केल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ है उसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कमांड टाइप करना पड़ेगा, स्केल SC, SC इज द शॉर्टकट, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर किया, अभी बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप किसको स्केल करना चाहते हो, तो मैं ये पूरी ड्राइंग को स्केल करना चाहता हूँ। पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर लिया और कर दिया मैंने यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप कौन से पॉइंट से आप इसको स्केल करना चाहते हो। तो मैं कहीं से भी इसको रैंडम क्लिक कर सकता हूँ, तो रैंडम मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी पूछा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी और रेफरेंस। तो स्केल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि आप मुझे ऐसा कुछ बताइए कि आपकी वो जो 26 फीट या फिर जितनी की भी लेंथ थी वो मेरी बराबर स्केल हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कैलकुलेशन करना रहेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोकैड आपको एक ऑप्शन देता है, रेफरेंस ऑप्शन। तो इस रेफरेंस ऑप्शन में मैंने यहाँ पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये पूछेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। अब मुझे यहाँ पे लेंथ बताना है। तो ये जब भी आपसे पूछता है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया, 29 फीट 6 इंच, तो डायरेक्टली आपको 29 फीट 6 इंच नहीं बताना है। सबसे पहले जो अभी यहाँ पे मुझे बता रहा था कितना बता था, 7.2 इंचेस, कितना था कन्फर्म याद नहीं है, तो आपको उतना एग्जैक्ट डालना पड़ेगा। पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं वापस से यहाँ पे डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक पहला क्लिक कर दो, फिर देखो ऑटोकैड यहाँ पे कमांड बॉक्स में डायरेक्टली पूछ लेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब देखो आपसे ऑटोकैड पूछ रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, अब मुझे नया लेंथ बताइए। तो नया लेंथ मतलब कुछ भी नहीं डालना है, जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कितना दिखा रहा है, 29 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कमांड बॉक्स में 29 फीट एंड 6, एंटर। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर मेरी स्केल ड्राइंग कहाँ गई, गायब हो गई मेरी ड्राइंग। तो ड्राइंग गायब नहीं है, आप अपने कर्सर बटन को दो बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दो बार क्लिक करा तो देखो मेरी ड्राइंग यहाँ पे दिखने लगी है। अब जब मैं इसका डायमेंशन चेक करूँगा सो देन इट कैन डेफिनेटली शो 29 फीट 6 इंच यहाँ पे शो गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बहुत छोटा है, इसकी टेक्स्ट की साइज़ मुझे बड़ी करनी पड़ेगी तब जाके वो अच्छे से दिखेगा, पर हमारा उससे मतलब नहीं है। अभी टेक्स्ट वाइज हाइट अपन उसको चेंज कर सकते हैं, वो अपने को आता है। पर यहाँ पे ये देखना है कि जो मैंने अपनी पीडीएफ को इंपोर्ट किया था वो प्रॉपर से स्केल हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा कितना था 29 फीट 6 इंच, तो यहाँ भी आ गया आपका 29 फीट 6 इंच। तो इस तरीके से हम लोग को स्केल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं बस पीडीएफ को इंपोर्ट कर दूंगा तो वो आपका स्केल हो जाएगा, या फिर मेरे को उतना ही डायमेंशन दिखाएगा,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को स्केल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्केल करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।